हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज आम यही क्लास रे कंप्लीट कंप्यूटर को रिवीजन करिवा। लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन पाई बहुत हेल्पफुल रहिबो। ठीक अच्छे, आपण यार ओन नोट को प्रिपेयर करंतु, मु जहा कहूँ बुझाप चेष्टा करंतु। अदरवाइज आपण यार पीडीएफ नोट टी एग्जाम्स ओडियार टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें। ठीक अच्छे, आरंभ करिवा कंप्यूटर को। प्रथम कथा, कंप्यूटर वार्ड टी लैटिन वार्ड रू डिराइव करा जाए छी। ठीक अच्छे, द वार्ड कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वार्ड, मन रखु। देन ए कंप्यूटर रो अर्थ होची कैलकुलेट करिबा। ए कंप्यूटर रो अर्थ कौन, गणना करिबा, सेंस रे कंप्यूट, टू कंप्यूट, ओके दैट इज कैलकुलेट करिबा सेंस रे। कंप्यूटर होची गोटे इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर गोटे कौन इलेक्ट्रॉनिक मशीन अटे। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जदि सप्लाई करिबा देन कंप्यूटर रन करिबो। ओके, देन ए कंप्यूटर रो काम होची प्रोसेस करिबो। कौन प्रोसेस करिबो, जहाँ भी इनपुट कंप्यूटर को दिया जाए कंप्यूटर रो काम होची प्रोसेस करिबो। देन प्रोसेस करिबा परे तार आउटपुट, आउटपुट कौन करिबो से प्रोवाइड करिबो जने यूजर को। जने यूजर कंप्यूटर को इनपुट दबो, देन प्रोसेस हबो। प्रोसेस हबा परे कंप्यूटर रो आउटपुट जने यूजर पाइबो। ओके, इट मीन्स आम कहीपर दैट इज जहाँ प्रोसेस होना मीन्स अनप्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर को कहा जाए और आइटम को कहा जाए डाटा। जदि से प्रोसेस्ड हो जाए इनफर्मेसन, क्वेश्चन रोच प्रश्न रपणकर द कलेक्शन अफ अनप्रोसेस्ड आइटम कौन हम डाटा हम। कलेक्शन अफ अनप्रोसेस्ड आइटम डाटा एंड कलेक्शन अफ प्रोसेस्ड आइटम इनफर्मेसन, सिंपल मन रखु। ओके, जो डाटाटा प्रोसेस होना दैट इज डाटा कहा एंड से प्रोसेस हाँपर इनफर्मेसन कहा। मन रहा कंप्यूटर वार्ड लाटिन शब्द रू अणा जा अर्थ हो कैलकुलेट करवा, यहाँ हूँ गोटे इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट, जहाँ भी आम डाटा कंप्यूटर को इनपुट करवा प्रोसेस हाँपर से आउटपुट आस। दैट्स व्हाई कहगला कंप्यूटर रे जहाँ अनप्रोसेस्ड अच्छी दैट इज डाटा एंड प्रोसेस्ड हवा परे सेटा को जाए इनफर्मेसन। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपणकर क्वेश्चन, कंप्यूटर रो जनक किए अटंती, हु इज द फादर अफ कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज होउछंती फादर अफ कंप्यूटर। क्लियर, चार्ल्स बाबेज इज द फादर अफ कंप्यूटर। फर्स्ट मेकानिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस होउछी अबाकस। अबाकस होची फास्ट मेकानिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होची ईएनआईएससी, इनाक मन रखा। ईएनआईएससी होची फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फास्ट मेकानिकल एडिंग मशीन होची पास्का लाइन, और यहाँ को पास्का लाइन कैलकुलेटर कहा जाए। ओके, फास्ट मेकानिकल एडिंग मशीन कोटा क्वेश्चंस रहिबो दैट इज पास्का लाइन कैलकुलेटर। कंप्यूटर रो मॉडर्न फादर होचंती आलान टर्निंग, आलान टर्निंग होचंती मॉडर्न फादर ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर, जदि क्वेश्चंस आसीबो फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनाक, इनाक यूनिभाग अबाकस पास्का लाइन रहिबो, तो आपनकु इनाक चूज करिवार अछि। इलेक्ट्रॉनिक मेकानिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, आउट होची मेकानिकल एडिंग मशीन, आउट होची इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये तीनोटी पॉइंट को मन रखु। नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट कंप्यूटर रो जेनरेशन विषय डिस्कशन करवा। देखु कंप्यूटर रो जेनरेशन रे कौन कौन यूज होता क्वेश्चन आसी पार। फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे वैक्यूम ट्यूब को व्यवहार करा जाउथला। फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे कौन व्यवहार करा जाउथला, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे ट्रांजिस्टर को व्यवहार करा गला। ओके, प्रथम वैक्यूम ट्यूब देन ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, आईसी जहाँ को आम कहते इंटीग्रेटेड सर्किट, एथिरे सिलिकॉन मटेरियल यूज होती। क्वेश्चन रोच आईसी कौ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे यूज करा गला, इट मीन्स थर्ड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करा गला। यही इंटीग्रेटेड सर्किट रो मटेरियल कौन, इंटीग्रेटेड सर्किट रो मटेरियल होची सिलिकॉन, एथिरे सिलिकॉन गोटे मटेरियल रही। क्लियर, देन फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे कौन व्यवहार करा गला, वीएलएसआईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे व्यवहार करा गला।
फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे यूएलएसआईसी व्यवहार करागला मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर आम करेन्टली यूज करछंती जहाँ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहुए एआई मन रखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड व्हिच जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज यूज्ड इन फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पांचटा जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन व्यवहार होता मन रखिए एंड इंटीग्रेटेड सर्किट रे क्यों मटेरियल व्यवहार हुए दैट इज सिलिकॉन को आम यूज करती सेटा भी मन रखार अच्छे क्वेश्चन आसपे क्लियर सिंपल वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी वीएलएसआई यूएलएसआई वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी वीएलएसआई यूएलएसआई यूएलएसआई टा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाए नेक्स्ट सिस्टम यूनिट आपण देखिथिबे कंप्यूटर साइट रे गोटे सिस्टम यूनिट अच्छी ए सिस्टम यूनिट रे कौन अच्छी सिस्टम यूनिट रे मदरबोर्ड अच्छी मदरबोर्ड को कहा जाए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ठीक अच्छे एंड ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मध्य कौन अच्छे सीपीयू अच्छे सीपीयू हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ को प्रोसेसर कहा जाए प्रोसेसर कहा जाए गोटे आईसी चिप अटे क्लियर सिस्टम यूनिट क्या कहा जाए कंप्यूटर साइट रे गोटे देखिथे बड़ बक्स टे थी आ गए हूँ यूपीएस अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस ता कौन बैटेरी बैकअप प्रोभाइड कर मॉनिटर रो काम हूँ आम स्क्रीन रे आउटपुट पाइबा कीबोर्ड जरिया रे कंप्यूटर को डाटा एंटर करिबा इनपुट माउस जरिया आम इनपुट दबा एंड कंप्यूटर साइट रे गोटे बड़ बक्स रही कहा जाए सिस्टम यूनिट से सिस्टम यूनिट मध्य गोटे मदरबोर्ड अच्छे एंड से मदरबोर्ड को कहा जाए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रे गोटे सीपीयू रही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ को कंप्यूटर रो प्रोसेसर कहा जाए ठीक अच्छे एंड सीपीयू को कंप्यूटर रो ब्रेन मध्य कहा जाए क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट आम क्लासिफिकेशन विषय डिस्कशन करवा माइक्रो कंप्यूटर रो एग्जांपल लैपटॉप टैबलेट मोबाइल फोन आर व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर जदि क्वेश्चन रहा कौन हम माइक्रो कंप्यूटर सर्वर अर्थ होची सर्वर अर्थ होची सर्विस प्रोवाइड करिवो कहाँ को क्लाइंट कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करिवो तो सर्वर कंप्यूटर होची मिनी कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहा जाए सुपर कंप्यूटर रो गोटे एग्जांपल मन रखंतु पीएआरएम पाराम पाराम होची गोटे कौन सुपर कंप्यूटर रो गोटे एग्जांपल मन रखिबा पीएआरएम होची गोटे सुपर कंप्यूटर ओके आनालॉग कंप्यूटर एग्जांपल ही जो वॉच रे आनालॉग कंप्यूटर व्यवहार होची आपण जो वॉच व्यवहार करछन्थि थर्मोमीटर रे मध्य आनालॉग कंप्यूटर व्यवहार हुए एंड जो पर्सनल कंप्यूटर जाको आमे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहंती सेटा होची डिजिटल कंप्यूटर ठीक अछि आजर दिन रे आमे डिजिटल कंप्यूटर को यूज करछन्थि ओके डिजिटल कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर को यूज करछन्थि मोस्टली ओके क्लियर देन आईसीयू रे हाइब्रिड कंप्यूटर को व्यवहार करा जाउछ आईसीयू रे केउ कंप्यूटर को व्यवहार करा जाउछ दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग रे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर को व्यवहार करा जाए एयरक्राफ्ट लैंडिंग रे केउ कंप्यूटर को व्यवहार करा जाए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर को एयरक्राफ्ट लैंडिंग रे व्यवहार करछथि नेक्स्ट क्वेश्चंस रहउछि पेरिफेरल्स पेरिफेरल्स का हो कहा जाए देखंतु इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज रहिला इनपुट डिवाइस कोन हे परबो माउस आउटपुट डिवाइस प्रिंटर ही परिवो एमती बहुत सारा अच्छे जस्ट गोटे एग्जांपल दी मु एंड स्टोरेज माने जो थे आम डाटा को स्टोर करती से कह जाए पेन ड्राइव क्वेश्चन जदि आसीबो पेरिफेरल्स कहा को कहा जाए सिंपल आपण कहिबे इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज ऑल टुगेदर पेरिफेरल्स अटे कंप्यूटर रो पेरिफेरल्स द वर्ड पेरिफेरल्स मीन्स एथरे इनपुट आसीबो आउटपुट आसीबो एंड स्टोरेज आसीबो क्लियर नेक्स्ट किछि बेसिक को कंप्यूटर किसी बेसिक क्वेश्चंस आपन को जानिबार अछि फास्ट विजिबल स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाए आपन कंप्यूटर ऑन करिबा समय रे जो प्रथम स्क्रीन साइन इन हबा परे वेलकम स्क्रीन आसीबा परे जो फास्ट स्क्रीन को देखिबे दैट इज डेस्कटॉप कहा जाए ओके एंड एही डेस्कटॉप रे गोटे पिक्चर थाए ठीक अछि किसी डिफॉल्ट पिक्चर थाए और आपण आपणक अनुसार भी किसी गोटे पिक्चर रखि था जहाँ को कहा जाए वॉलपेपर पिक्चर ऑन डेस्कटॉप को कहा जाए वॉलपेपर एंड यही डेस्कटॉप रो ही बॉटम बार रे ठीक अच्छे यही डेस्कटॉप रो यही बॉटम बार रे थिबा गोटे बार को कहा जाए टास्क बार
टास्क बार रे टाइम आसीबो नोटिफिकेशन आसीबो सेठी हमें डाटा ऑन करि परबा ठीक अछि। समस्त काम टास्क बार रे हुए जहाँ भी फाइल ओपन हबो ता टास्क बार रे शो हेबो जहाँ भी एप्लीकेशन ओपन करबा ता टास्क बार रे शो हेबो। यो बॉटम बार ऑन डेस्कटॉप को टास्क बार कहा जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल को आइकन कहा जाए। आइकन कहा को कहा जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल इज कॉल्ड आइकन। मन रखिबा आइकन होची ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल। जेमिति आपण न्यू फोल्डर ओपन करिवे सेटा होची कोन न्यू फोल्डर गोटे आइकन। व्हाट्सएप ओपन करचोंती पा व्हाट्सएप यूज करचोंती व्हाट्सएप रो गोटे आइकन अछि फेसबुक रो गोटे आइकन अछि ठीक अछि। तो एमिति डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन रो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अछि दैट इज आइकन। देन कंप्यूटर रे जहां भी फाइल को डिलीट करा जाए सेही फाइल टी रिसाइकल बिन रे जाई के स्टोर हेबो। किंतु परमानेंट डिलीट हेले आ सेटा रिसाइकल बिन रे स्टोर हेबो नै। परमानेंट डिलीट रो शॉर्टकट की होची कीबोर्ड रे शिफ्ट सहित डिलीट को प्रेस करिवा। शिफ्ट सहित डिलीट को प्रेस करिवा होची परमानेंट डिलीट। यदि परमानेंट डिलीट हबो फाइल रिसाइकल बिन रे स्टोर हबो नै। इट मींस यदि सिंपल केवल डिलीट करा जाई छी देन फाइल टी रिसाइकल बिन रे स्टोर हबो देन सेठो हमें रिस्टोर करि परिबा ओके। देन डेस्कटॉप रे गोटे दिस पीसी अछि एई दिस पीसी को गले हमें ड्राइव्स पाइबा माने लोकल डिस्क सी लोकल डिस्क ई एमती डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर रो ड्राइव पाइबा। कंप्यूटर रो सेटिंग को कोन कहा जाए कंट्रोल पैनल कहा जाए। कंप्यूटर रो सेटिंग को कोन कहा जाए कंट्रोल पैनल कहा जाए। माने रखंतु कंप्यूटर सेटिंग कंट्रोल पैनल। यूएसबी रो फुल फॉर्म जदि कोन आसीबो कोन कहिबे यूएसबी रो फुल फॉर्म होची यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी रो फुल फॉर्म कोन हि जीवो यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट डाटा कहा जरिया रे ट्रैवल करूची ठीक अछि। डाटा ट्रैवल करिया पई बसेस और पोर्ट्स यूज करा जाए। डाटा ट्रैवल्स थ्रू बसेस और पोर्ट्स जेमति यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट होची गोटे कोन जहाँ जरिया आम डाटा को ट्रैवल करे परिबा डाटा को मूव करे परिबा। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट होची बाइनरी नंबर सिस्टम रो बेस वैल्यू पचारिबो जदि कहिबे 2 बिकॉज़ यार डिजिट कोन 0 एंड 1 होची यार डिजिट एंड बाइनरी नंबर सिस्टम रो बेस वैल्यू होइजिबो 2 क्लियर। बाइनरी नंबर सिस्टम रो बेस वैल्यू कोन होइजिबो 2 होइजिबो एंड एथिरे डिजिट्स कौन कौन रोचे 0 एंड 1 होची यार डिजिट क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट किछि इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स विषय रे डिस्कशन करिवा। कंप्यूटर रो कंपोनेंट्स इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट माने इनपुट रो अर्थ होची माने रखिवा जेमिति आमे पढिले पेरिफेरल्स रे कौन आसी इनपुट आउटपुट स्टोरेज तो कंप्लीट पेरिफेरल्स को बुझिवार अछि। इनपुट यूनिट माने इनपुट डिवाइस और इनपुट रो अर्थ होची डाटा जदि आमे कंप्यूटर को प्रोवाइड करिवा दैट इज इनपुट। किंतु कंप्यूटर जो जहां हमको रिजल्ट प्रोवाइड करिवो सेटा होची आउटपुट एंड जहां डाटा आमे प्रोवाइड करिवा सेटा कंप्यूटर स्ट्रे स्टोर हबो दैट इज स्टोरेज। तो प्रथम इनपुट डिवाइस होची आपनकर कीबोर्ड। कीबोर्ड रु कोन कोन क्वेश्चंस रहउची सिंपल बुझि जानतु। देखंतु कीबोर्ड रो की रो फॉर्मेट पचारुची दैट इज क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई फॉर्मेट रे रहउची। QWERTY नॉर्मल कीबोर्ड फॉर्मेट रे रहउछि एथिरे 104 टी की रहिछि एथिरे ओटे एस्केप की रहिछि। एई एस्केप की रो अर्थ होउछि एग्जिट करबा पई आमे व्यवहार करोंती क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आसे टूगल की कहा को कहा जाय मॉडिफायर्स की कहा को कहा जाय ओके। टूगल की कहा को कहा जाय एंड मॉडिफायर्स की कहा को कहा जाय। टूगल की कहा को कहा जाय न्यूम एंड कैप्स लॉक को टुगुल की कहा जाए। टुगुल की कहा कहा जाए न्यूम लॉक एंड कैप्स लॉक रो की को कहा जाए टुगुल की। माने रखंतु टुगुल एठी कोन अछि टुगुल उच्चारण होछि त लॉक टुगुल लॉक एमिति मन रखिबे। न्यूम लॉक एंड कैप्स लॉक को टुगुल की कहा जाए। मॉडिफायर्स की कहा कहा जाए कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट को मॉडिफायर्स की कहा जाए क्लियर। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट की को मॉडिफायर्स की कहा जाए। एंड जते हमें विंडोज प्लस डी विंडोज माने जो स्टार्ट बटन रही कीबोर्ड रे ता सहित जते डी हमें प्रेस करिबा
सो दैट डेस्कटॉप हम और जहाँ भी ओपेन्ड आप्लिकेसन मिनिमाइज हो और सो दैट डेस्कटॉप यूज करती। नेक्स्ट बैक स्पेस एंड डिलीट रु क्वेश्चन आसूसी। बैक स्पेस अर्थ हूँ गोटे एट मन रुटा रखी कर्सर इनसर्टेन पॉइंट। कर्सर क्या कहुए कर्सर हूँ इनसर्टेन पॉइंट और ब्लिंकिंग पॉइंट कह जाए। ओके जहाँ गोटे कौन बर्तमान देखते मुझे जो माउस टी एटा हूँ माउस्र पॉइंटर जितने मुझे इ पाक नौ देन कौन हो गए लाइन आस तो ये लाइन टा हूँ गोटे कर्सर यटा को कहुए ब्लिंकिंग पॉइंट और इनसर्टेन पॉइंट को कर्सर कह जाए मन रखा। बर्तमान मुझे इ पाखे रखी जदि बैक स्पेस को मुझे प्रेस करी देन इ हटि टी हटि एमती कौन हम बैकवर्ड डिलीट हो कितु मुझे बर्तमान इ पाखे रखी और मुझे बर्तमान डी पाखे रखी डी पूर्व ये रखी डिलीट प्रेस करी देन प्रथम डी देन इ यहाँ हम फॉरवर्ड डिलीट हम तो दुईटा सेन्स दुईटा थिंग ये मन रखा। बैक स्पेस काम हो बैकवर्ड डिलीट कर डिलीट राम हो फॉरवर्ड डिलीट कर क्लियर ठीक अच्छे। देन कर्सर विषय में बुझीगला इनसर्टेन पॉइंट को कौन कहुए कर्सर कह जाए। नेक्स्ट आम जानते कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल भी पेस्ट यह सहित शिफ्ट सहित कीबोर्ड रे थिबा इनसर्ट की को प्रेस कले पेस्ट हम एंड कंट्रोल सहित जब आम इनसर्ट की को प्रेस करवा दैट इज कॉपी हम मन रखु। कंट्रोल सी कंट्रोल भी एक्सेप्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी आउ गोटे सर्टकट की भी मन रखार अच्छे शिफ्ट सहित इनसर्ट पेस्ट कंट्रोल सहित इनसर्ट हो कॉपी क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कशन करवा माउस विषय माउस कौन माउस हूँ गोटे सिंपल पॉइंटिंग डिवाइस एंड एथेर ऑप्टिकल सेंसर्स रही ऑप्टिकल माने कौन ऑप्टिक्स लाइट लाइट रो सेंसर रही माउस वर्क्स माउस केमिति काम करुछि ऑप्टिकल सेंसर अनुसार काम करुछि। प्रश्न रहुछि ड्रैगिंग काहु को आ जाए माउस को लॉन्ग प्रेस करिवा एंड होल्डिंग माने किछि समय लॉन्ग प्रेस करि रखिबा ओ ड्रैगिंग को आ जाए ठीक अछि। देन बीसीआर होजि गोटे इनपुट डिवाइस बीसीआर रो फुल फॉर्म होछि बार कोड रीडर माने रखिबा। क्यूआर कोड हूँ गोटे इनपुट डिवाइस क्यूआर कोड हूँ क्विक रेस्पॉन्स कोड क्यूआर हूँ क्विक रेस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट ओसीआर रो फुल फॉर्म हूँ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जहाँ हैंड राइट नोट को आप हाथ में किसी नोट लिखिं से रीड करने ओसीआर इनपुट डिवाइस को व्यवहार करा जाए। ओएमआर हूँ ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर सीट आपणकर जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन टी कंडक्ट करा जाए ओएमआर रे आपण ए बी सी ऑप्शन चूज कर तार वैल्युएशन माने से पेपर टी को रीड करिवा बा से पेपर टी को आमे कहि परिवा कैलकुलेट करिवा पे आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 150 जहाँ भी आपण स्कोर रखुचंदी ओएमआर को व्यवहार करा जाए। एमआईसीआर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन एम आई सी आर राम हो बैंक चेक को रीड करने एम आई सी आर इनपुट डिवाइस को व्यवहार करा जाए ठीक अच्छे। यह व्यतीत माइक्रोफोन एंड कैमेरा मध्य दुईटा इनपुट डिवाइस अटंती बिकज ऑप्शन रे चारोटी ऑप्शन रहिबो निम्नत मध्य क्योंटा गोटे इनपुट डिवाइस नुह और इनपुट डिवाइस माने यही प्रकार सब इनपुट डिवाइस विषय आपंकर आईडिया रहिबार अछि जानिहला। नेक्स्ट नेक्स्ट आउटपुट यूनिट विषय डिस्कशन करवा मत कहतु बर्तमान पर्यटन आम जहाँ पढ़ले आपण मने रखिले कि नहीं और बुझिले कि नहीं ठीक अच्छे। आउटपुट यूनिट विषय पढ़ा देखो आउटपुट यूनिट मुझे आप कंप्यूटर को इनपुट आम डाटा प्रोवाइड करवा कंप्यूटर प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोवाइड कर रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर को आउटपुट कह जाए। एथेरे प्रथम आसो मॉनिटर मॉनिटर हूँ आप गोटे आउटपुट डिवाइस वीडियो रो फुल फॉर्म मन रखु विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो रो फुल फॉर्म कौन हो विजुअल डिस्प्ले यूनिट सीआरटी रो फुल फॉर्म हो कैथोड रे ट्यूब एलसीडी एंड एलईडी रो फुल फॉर्म टू क्वेश्चन आसुची एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड क्लियर। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी एलईडी हूँ लाइट एमिटिंग डायोड ओके वीडियो सीआरटी एलसीडी एंड एलईडी। नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ प्रिंटर प्रिंटर जहाँ भी आम डाटा को प्रिंट बाहर करीबा ठीक अच्छे गोटे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी रे कन्वर्ट करीबा प्रिंटर जरिया क्लियर। प्रिंटर हूँ टू टाइप्स गोटे हूँ इंपैक्ट आउ गए नॉन इंपैक्ट इंपैक्ट रे कौन हम फिजिकल कांटेक्ट रहिबो पेपर सहित
नॉन इंपैक्ट रे फिजिकल कांटेक्ट रहिबनि सेटा इंक रे बाहरिबो। इंपैक्ट प्रिंटर गोटे एग्जांपल प्लॉटर हि परिबो इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होची इंक जेंट प्रिंटर होची गोटे कोन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रोजेक्टर एंड स्पीकर मध्ये गोटे कोन हि परिबो आउटपुट डिवाइस हि परिबो। क्लियर आउटपुट डिवाइस विषय रे बुझियला प्रोजेक्ट एंड स्पीकर स्पीकर मध्ये गोटे आउटपुट डिवाइस अटे। नेक्स्ट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होची सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाए। कहीं कहा जाए बिकज जदि आपनकर कंप्यूटर प्रोसेस जदि स्लो हबो देन कंप्यूटर काम करबाटा कोन हबो स्लो होई जबो दैट्स व्हाई सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके एई सीपीयू को आमे तीन भाग रे विभक्त करचंदी कोन कोन एएलयू सीयू एमयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जहाँ भी मैथमेटिकल फॉर्मेशन कैलकुलेशन सब एएलयू करिवो कंट्रोल यूनिट रो काम होची कंट्रोल करिवो एमयू रो होची मेमोरी यूनिट स्टोर करे डाटा को। सीपीयू रो तीनोटी पार्ट कौन कौन एएलयू सीयू एमयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीयू कंट्रोल यूनिट एमयू मेमोरी यूनिट। ओके एएलयू सीयू एमयू। नेक्स्ट 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 आम मेमोरी यूनिट विषय डिस्कशन करवा कौन कौन क्वेश्चन रोचे मेमोरी यूनिट मेमोरी रो अर्थ कौन स्टोरेज किसी भी डाटा को आम स्टोर करने मेमोरी यूनिट को व्यवहार करती। ओके एही मेमोरी दुई प्रकार गोटे हूँ प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्वेश्चन जदि रोचे मेमोरी केते प्रकार रो ना दुई प्रकार रो गोटे हूँ प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन प्राइमरी मेमोरी पुणी दुई भाग में विभक्त राम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी पुणी दुई भाग में विभक्त राम एंड रोम। राम माने रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम हूँ रीड ओनली मेमोरी। राम टा भोलाटाइल रोम टा नॉन भोलाटाइल। भोलाटाइल माने राम भोलाटाइल माने जदि पावर कट करिबा देन डाटा टा इरेज हो जिवो किंतु रोम रे पावर कट करिबा परे मध्य डाटा टा कोन इरेज हबो नाही सेटा रहिबो। ठीक अछि राम रे टेम्पोरारी पई डाटा टा स्टोर हबो किंतु रोम रे आमे परमानेंट स्टोर करि परिबा किंतु चाहिले आमे डिलीट करि परिबा। ठीक अछि राम रोम जानि हला रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी होछि प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट आसला सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी लार्ज डाटा को स्टोर करिपरिबा कंपैक्ट डिस्क सीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होची डीवीडी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क समस्त कथा ये जो समस्त प्रकार रो डिवाइस गुडा कहउछनी कोन दैट इज ए सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट रु क्वेश्चन रहउछे 1 बिट होची गोटे बाइनरी डिजिट 1 बिट रे गोटे कोन होची बाइनरी डिजिट होची 8 बिट्स रे 1 बाइट होची। ओके 8 बिट्स रे हाउ मेनी बाइट जदि क्वेश्चन आसीबो 1 बाइट एंड एमिति 1024 बाइट को नै गोटे किलो बाइट होची 1 केबी जहा को कहा जाए। सिमिलरली 1024 किलो बाइट और केबी रे 1 मेगाबाइट 1024 मेगाबाइट रे 1 जिगाबाइट एंड 1024 जिगाबाइट रे 1 टेराबाइट। ए टेराबाइट पर्यंत क्वेश्चंस रहे आसो क्वेश्चन 1 GB इज हाउ मेनी MB तो 1024 MB और सिक्वेन्स अर्डर में जब पचार प्रथम कौन हम बीट बैट के बी एम जिबी टीबी एमती मन रखत। नेक्स्ट नेक्स्ट गोटे कंप्यूटर केमी रन कै कंप्यूटर कहले आम कौन बुझे कंप्यूटर कहले गोटे कंप्यूटर डिवाइस कहले आम यह बुझे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके देन हार्डवेयर कौन फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को हार्डवेयर कहा जाए और टांजिबल जहाँ को आम छुई पारा दैट इज हार्डवेयर कीबोर्ड हो माउस हो हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कौन यही हार्डवेयर को तो मैनेज करार अच्छे ये हार्डवेयर जरिए तो कंप्यूटर रन हम दैट्स वे सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग ऑफ द कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर कहा जाए दैट इज इनटैंजिबल आम छुई पार कि गूगल क्रोम को छुई पार कि नुह ये स्क्रीन रही आसो एडोबी फोटोशॉप को छुई पार कि छुई पार ना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को नहीं कंप्यूटर रन करे। हार्डवेयर हूँ फिजिकल पार्ट और टैंजिबल पार्ट सॉफ्टवेयर हूँ लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर और इनटैंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर। यही सॉफ्टवेयर पुणी थे दुई भाग में विभक्त गोटे हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हूँ जहाँ गोटे यूजर र इंटरेस्ट अनुसार डेवलप हो किंतु सिस्टम सॉफ्टवेयर हूँ कंप्यूटर रन केमी हो माइक्रोसॉफ्ट विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एमएस ऑफिस होची गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एमएस विंडो होची गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन रोचे
एमएस विंडो माइक्रोसॉफ्ट रो विंडो गोटे के प्रकार सॉफ्टवेयर अटे तो आप कौन कहे माइक्रोसॉफ्ट रो विंडो हूँ गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके एंड माइक्रोसॉफ्ट रो ऑफिस गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम टा सिस्टम सॉफ्टवेयर आसीज एंटीवायरस टा हूँ गोटे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ठीक अच्छे सिस्टम सॉफ्टवेयर रो ही गोटे पार्ट हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मन रखु यूटिलिटी सॉफ्टवेयर केउटा माने एंटीवायरस आपण को कंप्यूटर रे केउ एंटीवायरस इंस्टॉल हे किथाय ऑलरेडी इनबिल्ट दैट इज विंडोज डिफेंडर होची गटे एंटीवायरस या सहित आभास क्विक हिल सब डिफरेंट डिफरेंट कंपनी किंतु क्वेश्चंस रहइबो विंडोज एंटीवायरस डिटेक्टर होची विंडोज डिफेंडर माने रहिला सॉफ्टवेयर टू टाइप्स एप्लीकेशन सिस्टम पुनि थरे सिस्टम रे रहिची यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ओके नेक्स्ट सॉफ्टवेयर तो जानिले सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ ए प्रोग्राम्स रो अर्थ होची सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर कह जाए अच्छा आपण जो वीडियो देखु जंदी से वीडियो देखिबार गोटे सॉफ्टवेयर रो ना जदी कहा जीव कोन पाइबो वीएलसी मीडिया प्लेयर विंडोज मीडिया प्लेयर मध्ये अछि किंतु वीएलसी मीडिया प्लेयर ओके एटा कोन दैट इज फ्री सोर्स ओपन सोर्स जाको आमे कहंती ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अटे वेब ब्राउजर रो ना कोन कोन रहिची क्रोम होची गोटिए वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स गोटिए वेब ब्राउजर एंड माइक्रोसॉफ्ट रो एज होची गोटिए वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप करा जैथिबा वेब ब्राउजर रो ना कोन जदी क्वेश्चंस आसीबो कोन कहबे माइक्रोसॉफ्ट रो एज गूगल क्रोम गोटिए कोन हि परिबो गूगल क्रोम गोटिए वेब ब्राउजर हि परिबो मोजिला फायरफॉक्स भी गोटिए वेब ब्राउजर हि परिबो पीडीएफ को रीड करिया पई एडोबी रीडर यूज करा जाय ओके पीडीएफ को रीड करिया पई कोन यूज करा जाउची एडोबी रीडर यूज करा जाउची बायोस रो अर्थ होची बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम ठीक अच्छे बायोस रो अर्थ कोन बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम माने रखंतु बायोस कंप्यूटर रो स्टार्ट प्रोसेस को बूटिंग कह जाय एही बूटिंग टू टाइप्स कंप्यूटर रो स्टार्ट प्रोसेस को कोन कह जाय बूटिंग कह जाय एही बूटिंग टू टाइप्स गोटे होची कोल्ड बूटिंग आ गोटे होची वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग माने कंप्यूटर स्टार्ट हबाकू कोल्ड बूटिंग कह जाय एंड कंप्यूटर रीस्टार्ट हबाकू वार्म बूटिंग कह जाय ठीक अच्छे कंप्यूटर स्टार्ट हबा कोन कह जइबो कोल्ड बूटिंग एंड कंप्यूटर रीस्टार्ट हबाकू वार्म बूटिंग कह जइबो आपण को कंप्यूटर रे गोटे पेंट सॉफ्टवेयर रहिछ सेटा होची माइक्रोसॉफ्ट रो पेंट मन रखंतु एथिरे पेंट करि परिबे देन एमपी4 फाइल्स होची वीडियो फाइल्स को एमपी4 फाइल्स कह जाय चूज करिया पई कहइबो एमपी4 फाइल्स कोटा माने वीडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स कोटा माने एमपी4 फाइल्स ऑडियो फाइल होची एमपी3 फाइल्स को ऑडियो फाइल कह जाय JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप और PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एटा होची इमेज फाइल माने रखंतु JPG और PNG होची आपनकर इमेज फाइल वीडियो रो MP4 ओके ऑडियो रो हिजबो कोन MP3 इमेज रो हिजबो JPG एंड PNG फाइल नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस होची कंपाइलर एंड असेंबलर रो काम कोन कंपाइलर रो काम होची बिकॉज कंप्यूटर सबुले ना मशीन लैंग्वेज ही बुझिबो मशीन लैंग्वेज माने जहां बाइनरी डिजिट रे रहइबो 1 आउ 0 रो भाषा ही कंप्यूटर बुझे तो कंपाइलर रो काम होची हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करइबो एंड असेंबलर रो काम होची असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करइबो ओके कंपाइलर रो काम कोन कंपाइलर रो काम होची हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करिवो असेंबलर रो काम होची असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करिवो क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट आसला ऑपरेटिंग सिस्टम रो कोन कोन क्वेश्चंस ठीक रहउची बुझंतु ऑपरेटिंग सिस्टम रो एग्जांपल कोन हे परबो माइक्रोसॉफ्ट रो विंडो माइक्रोसॉफ्ट रो डॉस यूनिक्स लिनक्स ए सब गुडा होची गटिए गटिए ऑपरेटिंग सिस्टम अटंती क्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम रो काम कोन ऑपरेटिंग सिस्टम रो काम होची कंप्यूटर को रन करइबो जदी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नाही देन कंप्यूटर कोन ओपन हबो ओपन ही हबो नाही तो प्रथमे सिस्टम सॉफ्टवेयर दरकार देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दरकार सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हबा पर ही आमे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करि परबा माने रखंतु माइक्रोसॉफ्ट रो विंडो होची गटिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट रो डॉस होची गोटे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स होची गोटे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स होची गोटे मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर
मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टीपुल टास्क करिपर, मल्टीपुल फाइल को प्रोसेस करिपर, सिंगल यूजिंग हम एंड मल्टी यूज आम कर मन रहा विंडो डॉस यूनिक्स लिनक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट आ इंटरनेट का हो जाए इंटरनेट क्वेश्चन रोज इंटरनेट हूँ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट कह जाए और इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क को मध्य कौन कह जाए इंटरनेट कह जाए। क्लियर इंटरनेट क्या कह जाए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट कह जाए और इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट कह जाए। ब्रॉड ब्रॉडबैंड हूँ गोटे इंटरनेट कनेक्शन ठीक अच्छे ब्रॉडबैंड डीएसएल रो फुल फॉर्म हूँ डिजिटल सब्सक्राइब लाइन मन रखा डीएसएल रो फुल फॉर्म जो आसो कौन हो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन हम बीएसएनएल हूँ भारत संचार निगम लिमिटेड हूँ गोटे लैंडलाइन कनेक्शन बीएसएनएल कौन गोटे लैंडलाइन कनेक्शन अटे। मॉडेम कौन मॉडेम हूँ आप देखिथे आप कंप्यूटर में कि कौन सी जगार इंटरनेट को यूज करने गोटे रूटर इनस्टल करते तो से रूटर में गोटे मॉडेम थाए से मॉडेम हूँ मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन मीन्स समस्त आनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल रे किए कन्वर्ट कर मॉडेम मॉडेम रो काम हूँ मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन आनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल रे कन्वर्ट कर। नेक्स्ट आसला वाईफाई वाईफाई जरिया वायर्ड लेस इंटरनेट कनेक्शन करती ठीक अच्छे विथाउट एनी केबुल रे में इंटरनेट कंप्यूटर को आउट कंप्यूटर सहित कनेक्ट कर नेट सहित कनेक्ट कर हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट ऑन कले कौन हम आप वाईफाई को एक्सेस करेंगे तो हॉटस्पॉट हूँ गोटे फिजिकल लोकेशन को क्रिएट करा जाए जहाँ मोबाइल थिएटरिंग कहा जाए। ओके तो हॉटस्पॉट हूँ गोटे फिजिकल लोकेशन हॉटस्पॉट ऑन कले वाईफाई को एक्सेस करा जाए जहाँ जहाँ पॉइंट कुछ मन रखु वन्स मन रखिले एमसीक्यू करने समय इजी हे। डाटा ट्रांसपोर्ट रेट को कौन कह जाए क्वेश्चन अफ सी डाटा ट्रांसपोर्ट रेट को फ्रिक्वेन्सी कहा जाए डाटा ट्रांसपोर्ट रेट को कौन कह जाए फ्रिक्वेन्सी कह जाए। सर्च इंजिन कौन कौन गूगल रही बिंग रही याहू रही समस्त हूँ गोटे गोटे सर्च इंजिन। नेक्स्ट आपण कौन से एक वेबसाइट को टाइप करने गोटे यूआरएल दरकार पड़े तो यही यूआरएल हूँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल फुल फॉर्म कौन हो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हूँ यूआरएल www.google.com हूँ गोटे डोमेन नेम तो ये जो आसला गूगुल डट कम टा ये डट कम टा हूँ गोटे डोमेन नेम कहुए। ओके एच टी टीपी हूँ गोटे प्रोटोकल प्रोटोकल कौन सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन को नेटवर्क किसी रूल आउ रेगुलेशन रही कह जाए प्रोटोकल तो एच टी टीपी हूँ गोटे प्रोटोकल। प्रश्न आसूँ एच टी टीपी एस रे एस स्टैंड फॉर कौन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ठीक अच्छे एच टी टीपीएस रे एस ट्रांसफर कौन हो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो किसी डोमेन नेम को मन रखु डॉट कॉम हूँ कमर्सियली डॉट ओआरजी हूँ गोटे ऑर्गेनाइजेशन डॉट जीओवी माने सेटा गवर्नमेंटल गोटे गवर्नमेंट साइट ही थी डॉट इन माने इंडिया। ओके ये सब गुड़ाक किसी एंड डॉट ईडीयू माने एजुकेशन एमती किसी डोमेन नेम अच्छी क्वेश्चन आसे डॉट ईडीयू स्टैंड्स फॉर एजुकेशन डॉट ओआरजी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके नेक्स्ट ऑटोफिल डाटा को वेब कैसे कहा जाए वेब कैसे माने एमती बुझंतु आपन को आपन देखिथिबे जेतेले आपन ओ ट्रिपल एस रो साइट को विजिट करचोंदी विजिट करिया परे एग्जिट हेले पुनी थरे एंटर होचोंदी साइट रे लॉगिन करचोंदी तो सेठी कोन होची आपनकर गोटे पासवर्ड और यूजर नेम टा वन सेव अच्छी सेव हाँ पर सेटा ऑटो फिल हो तो ऑटो फिल को कौन कहा वेब कैसे कहा आ गोटे रही कुकीज कुकीज माने विजिट करिवा परे आपन को डायरेक्ट से पूरा से लोकेशन रे नहीं पहुँचवा को वेब कुकीज कहा जाए मन रखा। हिस्टोरी आपन एउटा बहुत कमन जानते प्रीवियस विजिटेड लिंक्स ओ ट्रिपल एस रो साइट को विजिट कर तो सेटा हिस्ट्री आपन पाई जिवे। बुकमार्क माने कौन ओ ट्रिपल एस रो साइट को आपन सेव कर तो सेटा वेबसाइट सेव करिया पे बुकमार्क यूज करती। ओके अदरवाइज कौन सी मूवी और म्यूजिक वेबसाइट को आपन सेव कर तो सेटा बुकमार्क कहा जाए। ओके यूट्यूब कौन अच्छी वाच लेटर अच्छी आपन कौन सी वीडियो टी को जदि वर्तमान टाइम नहीं पर देखिया पे चाहूँ तो सेटा वाच लेटर रे रखी पारिबे ठीक अच्छे। इनकॉग्निटो मोड माने एटा जदि ऑन अच्छी कौन सी हिस्टोरी आपन सेव हो पार ना इनकॉग्निटो मोड कहा जाए। वेबसाइट क्या कहा जाए क्वेश्चन रोच वेबसाइट क्या कहा जाए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट कहा जाए। क्लियर
कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को कौन कहुए वेबसाइट कहुए एंड गोटे वेबसाइट ओपन हवा समय गोटे ब्राउजर रो फास्ट पेज को होम पेज कहुए ब्राउजर रो फास्ट पेज को कौन कहुए होम पेज कहुए मन रखु। नेक्स्ट HTML वेबसाइट को क्रिएट करिया पई HTML गोटे लैंग्वेज दरकार पड़े। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर कौन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब सर्वर रो काम होची जेउ साइट जे की साइट टी को होस्ट करिवो होस्ट द वेबसाइट को वेब सर्वर कहा जाए। वेब सर्वर कहा को कहा जाए माने रखिबा होस्ट द वेबसाइट हिजबो वेब सर्वर। ईमेल होची इलेक्ट्रॉनिक मेल जहाँ जरिया रे मेसेज पठाई परिवा किंबा मेसेज हमें रिसीव भी करी परिवा सेंड मेसेज एंड टू रिसीव मेसेज दैट इज ईमेल। ईमेल रे ड्राफ्ट अछि जदी आपण मेसेज पठेबा समय रे मेसेज टी सेंड हला नाही मींस सेटा ड्राफ्ट रे जाई स्टोर हबो। ओके नॉट सेंड मेसेज स्टोर्ड इन ड्राफ्ट क्वेश्चंस रहइबो। इनबॉक्स रे आपण रिसीव्ड मेसेज गुडा को पाइबे जहाँ जहाँ मेसेज आपण पाखु आछि जने सेंडर पठाई छी तो आपण रिसीवर तार मेसेज गुडा को पाइबे। अटैचमेंट हूँ गोटे मन रखा अटैचमेंट रे आपण इमेज डॉक्यूमेंट फाइल को अटैच करें मेल क्लाउड ऑनलाइन स्टोरेज को क्लाउड कह जाए जमी गूगल ड्राइव हो गला। ठीक अच्छे ऑनलाइन क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती एमने सब मन रहा वेब सर्वर इमेल ड्राफ्ट इनबॉक्स अटैचमेंट कौन क्लाउड कौन क्लियर इंटरनेट विषय रिलेटेड क्वेश्चन थी। नेक्स्ट नेटवर्क विषय बुझा चलत नेटवर्क क्या कह जाए कहत तो देखा नेटवर्क होची आपणकर जिते बेले टू और मोर कंप्यूटर कनेक्ट करिवे से माने गोटे नेटवर्क फॉर्मेशन करन गोटे सिंगल कंप्यूटर केबे भी नेटवर्क को कनेक्ट माने फॉर्मेशन करि परिबो नै गोटे नेटवर्क फॉर्मेशन हबा पई मिनिमम तो दुईटा कंप्यूटर दरकार अधिक कंप्यूटर हेले मध्य हबो। एहा दुई प्रकार रो गोटे होची वायर्ड आ गोटे होची वायरलेस। वायर्ड कोन हे परिबो डिश टीवीटा होची गोटे कोन वायर्ड नेटवर्क एथिरे लान वायर थाय लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्शन दिया थाय। वायरलेस हूँ आप मोबाइल आपड़ मोबाइल जहाँ भी आप कम्युनिकेट करती तो कौन एर वायर लगे कि वायर लगे ना दैट इज वायरलेस। टीवी रिमोट आप चैनल चेंज करेडियो रेडियो शुंस गुड़ा हूँ वायरलेस नेटवर्क। नेटवर्क प्रोटोकल दुटा मन रखा गोटे हूँ टीसीपी आउ गए आईपी। टीसीपी हूँ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकल। टीसीपी कौन हो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकल। आईपी हूँ इंटरनेट प्रोटोकल। आईपी कौन इंटरनेट प्रोटोकल मन रखा। नेक्स्ट कंप्यूटर कौन हो ना एथिरे भाइरस आसी तो ये भाइरस को डिटेक्ट और प्रिवेंट कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने एंटी भाइरस यूज करती आपको विंडोज डिफेंडर हूँ गोटे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रो विंडोज डिफेंडर हूँ गोटे सिक्यूरीटी एंटी भाइरस अटे। नेटवर्क ट्राफिक क्या कह जाए फायरवेल को नेटवर्क ट्राफिक कह जाए। WWW रो अर्थ हूँ वर्ल्ड वाइड वेब। LAN रो अर्थ हो लोकल एरिया नेटवर्क सब गुड़ाक नेटवर्क कनेक्शन। पान अर्थ हूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क। वन अर्थ हूँ वाइड एरिया नेटवर्क। लान पान वन समस्त गोटे गोटे कौन नेटवर्क कनेक्शन अटंती। क्लियर बुझीगला। ओके देन आम MS ऑफिस को डिस्कशन करवा। ओके यहाँ आप लास्ट टॉपिक रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हूँ गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स गोटे यूजर निजर इंटरेस्ट अनुसार काम कर दैट इज ऑफिस। एथिरे चारोटी पार्ट रु क्वेश्चन आसुची वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट एंड एक्सेस यही चारोटी क्वेश्चन रोचे ये सब गुड़ा हूँ यार पैकेज कह ओके इट मीनस आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब परचेस करूँ देन से वर्ड भी यूज करेंगे एक्सेल पावर पॉइंट एंड एक्सेस को यूज करेंगे। ठीक अच्छे यहाँ ओपेन सोर्स नुह मानने फ्रीली अभेलेबल होना एपंक परचेस करार अच्छी किसी पेमेंट दबार अच्छी। ओके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हूँ गोटे आप्लिकेसन सॉफ्टवेयर। प्रश्न आपर कौन रोचे मुझा डायरेक्ट आसट इज वार्ड एक्सटेनसन फाइल मन रखा डट डीओ सी एक्स जितेबाला वार्ड को ओपेन करेंगे यार फास्ट मानने फाइल टी रकुमेंट वन। एक्सएल रक्सटेनसन हो डट एक्स एल एस एक्स जितेबाला यार भी फाइल टी ओपेन हम बुक वन आसो पीपीटी एक्सटेनसन हो डट पीपीटीएक्स यहाँ भी जितेबाला ओपेन हम प्रेजेटेसन वन आस डाटा बेस और एक्सेस रो एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रो एक्सटेंशन होची डॉट ACCDB यार जिते ओपेन हम डाटा बेस वन आस। ओके डॉक्यूमेंट वन बुक वन प्रेजेंटेशन वन डाटा बेस वन डॉट DOCX डॉट XLX डॉट PPTX डॉट ACCDB ये समस्त होती कौन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एंड एक्सेस रो
एक्सटेंशन एक्सटेंशन माने फाइलटा सेव करिया समय रे एही फॉर्मेट रे बा एही डॉट पर सेव होउछ। ओके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस विषय रे जानि हला आमे वर्ड विषय रे वर्ड रो किछि इंपोर्टेंट पॉइंट को बुझिबा एक्सेल रो बुझिबा पावर पॉइंट रो बुझिबा देन एक्सेस रो बुझिबा पर क्लास टी कंप्लीट हबो। ओके नेक्स्ट वर्ड होची गोटे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मींस किछि भी मेल लिखि परबा किछि भी एप्लीकेशन लेटर लिखि परबा आमे वर्ड रे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करिबा पई शॉर्टकट की होची कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट ओपन डॉक्यूमेंट करि परबा कंट्रोल ओ होची ओपन। ओके एंड सेव करिया पई कंट्रोल एस को आमे प्रेस करि परबा एहा सहित सेव एज पई F12 को मध्य प्रेस करि परबा F12 सेव एज कंट्रोल एस रे भी सेव एज हि परबो अदरवाइज F12 फंक्शन 12 हि परबो सेव एज एडिटेड जो लेखि जे देखंतु आपण प्रथमे गोटे फाइल को कोन करचंदी वर्ड ओपन करचंती वर्ड ओपन करिया पर सेथरे गोटे एप्लीकेशन आपण टाइप करचंती आपणकर हायर अथॉरिटी को किछि जानेबा पई लीव एप्लीकेशन हि पारे फर्स्ट टाइम सेव करिया को सेव एज को हाजिबो सेव एज को जतले आपण किछि एडिट कले तो पुणि थरे सेव हला सेही लोकेशन रे सेटल को हाजिबो सेव मींस एही सेव रो अर्थ होची किछि एडिट करबा सेव एज को एडिट करबा अर्थ होची सेव क्लियर बुझि हला सेव आ सेव एज भितरे डिफरेंस कोन। नेक्स्ट प्रिंट करिया पई कोन हि परबो शॉर्टकट की प्रिंट रो शॉर्टकट की होची कंट्रोल पी होची प्रिंट एंड पेज को गोटे व्हाइट पेज रो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रो व्हाइट पेज को क्लोज करिया पई कंट्रोल डब्ल्यू आमे प्रेस करंती कोन प्रेस करंती कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज करिबा जे कोनो से एप्लीकेशन को क्लोज करिया पई ऑल्ट F4 प्रेस करि परिबा ऑल्ट F4 जरिया रे कंप्यूटर शटडाउन भी हि परिबो। हेल्प फंक्शन 1 होची हेल्प चार्ट को इंसर्ट करिया पई F11 ओके और फुल स्क्रीन करिया पई मध्ये हमें F11 एटा गोटे एप्लीकेशन रे एटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे कोनो से एक फोल्डर को कोनो से एक फाइल को रीनेम करिया पई F2 को प्रेस करि परिबा क्लिपबोर्ड रे जहां भी आपण कट करचोंती और कॉपी करचोंती सेटा जो पर्यंत पेस्ट होई नाही सेटा क्लिपबोर्ड रे जाई के स्टोर हुए कट और कॉपी फाइल स्टोर इन वेयर क्वेश्चंस रहउची दैट इज क्लिपबोर्ड कहिबे क्लियर क्लिपबोर्ड रे जाई के सेटा स्टोर हे के रहइबो। नेक्स्ट कंट्रोल सी होची कॉपी कंट्रोल एक्स होची कट कंट्रोल वी होची पेस्ट माने रखंतु। फॉर्मेट पेंटर रो काम कोनो फॉर्मेट पेंटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट समस्त क्षेत्र रे पाइबे फॉर्मेट कॉपी करिवो फॉर्मेट को कॉपी करिवो फॉर्मेट कोन हे परिवो फॉन्ट रो साइज हे परिवो फॉन्ट रो कलर हे परिवो ए सब गुडा फॉर्मेट को हा जाय तो फॉर्मेट पेंटर रो काम होची फॉर्मेट कॉपी करिवो कंट्रोल एफ को फाइंड कोनसी वर्ड और सेंटेंस को फाइंड करिया पे कंट्रोल एफ यूज करि परिवा कंट्रोल एच रिप्लेस कंट्रोल जी होची गो टू आमे सेही डायरेक्ट प्लेस को पहुंची परिवा कंट्रोल जी कंट्रोल के होची हाइपरलिंक हाइपरलिंक माने नॉर्मल टेक्स्ट को लिंक रे कन्वर्ट कर दबो ठीक है दैट इज हाइपरलिंक। कंट्रोल एम इंडेंटेशन पे हमें व्यवहार करती जमी एप्लीकेशन लिखा समय रे रेस्पेक्टेड सार देन विथ ड्यू रेस्पेक्ट तो रेस्पेक्टेड सार पर जो स्पेस टा रहे सेटा इंडेंटेशन कहा जाए। कंट्रोल बी कौन सी लेटर को टिके मोटा आकार देखा जीव बोल्ड ही परिवो कंट्रोल आई माने लेटर टा इटालिक हो जीव टिके एंगल क्रिएशन करिवो। ओके नेक्स्ट अलाइनमेंट कंट्रोल ई होची जस्टिफाइड अलाइनमेंट हला सबस्क्रिप्ट कौन सुपरस्क्रिप्ट कौन सबस्क्रिप्ट माने देखो लॉग टू लिखिले यू कह सबस्क्रिप्ट यार शॉर्टकट की होची कंट्रोल प्लस इक्वल होची सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कौन हम द एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस कले सुपरस्क्रिप्ट हम कंट्रोल इक्वल प्रेस कले दैट इज सबस्क्रिप्ट हम। एंड प्रश्न रोचे आप गोटे पेज रे ऑलवेज अप माने पेज रो ऊपर मार्जिन टाक हेडर कहा जाए पेज रो डाउन मार्जिन टाक फुटर कह जाए क्लियर हेडर एंड फुटर रु प्रश्न रहइबो अप मार्जिन पेज अप मार्जिन को हेडर पेज डाउन मार्जिन को फुटर कह जाइबो एंड जो आपण प्रिंट प्रीव्यू करबा समय रे चारि पटे गोटे ब्लैंक स्पेस देखंती सेटा मार्जिन कह जाए ब्लैंक स्पेस टू कोन कह जाए मार्जिन कह जाए प्रिंट प्रीव्यू रो। प्रश्न रहउची पेज रो ओरिएंटेशन कोन कोन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट होचंती पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट कोन हे परिबो पेज रो ओरिएंटेशन हबो माने रखिबा A4 लीगल लेटर ए सब गुडा गोटे गोटे पेपर साइज आपण रिव्यू टाइप को जति जिबे जहां भी स्पेलिंग एरर अछि तो सेटा आपण चेक करि परिबे शॉर्टकट की आछि F7 होची रिव्यू टाइप रे थिबा स्पेलिंग चेक करिया पई F7 शॉर्टकट की यूज करा जाय रेड लाइन स्पेलिंग चेक पई रेड लाइन आसीबो जदि किछि ग्रामेटिकली एरर रहइबो सेति पई ग्रीन लाइन आसीबो रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन माने रखो। ओके व्यू
व्यू को गले आम जूम पाइबा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 10 to 500% पर्यंत आम जूम कर पारिबा मैक्सिमम 500% जूम कर पारिबा एथिरे माक्रो रहिछि माक्रोर काम होछि रेकर्ड डॉक्यूमेंट करिबो डॉक्यूमेंट को रेकर्ड करिबो ठीक अछि एथिरे जहां जहां मु कहली था एक्सेल एंड पावर पॉइंट रे मध्य कोन सेम थिंग्स आपण यूज कर पारिबे माक्रो पाइबे रेड लाइन ग्रीन लाइन व्यू जूम सब उडा गछि देन आम एक्सेल विषय रे डिस्कशन करिबा एक्सेल होची गोटे स्प्रेडशीट माने कैलकुलेशन पे व्यवहार करती ठीक अच्छे यार बेसिक यूनिट सेल कहा जाए एक्सेल रे सेल रही अल्फाबेट कलम रे रहिबो नंबर सब रो रे रहिबो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कलम को सेल कहा जाए ठीक अच्छे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कलम को कौन कहा जाए सेल कहा जाए बेसिक यूनिट होची सेल सेल एड्रेस बा सेल रेफरेंस कहा जाए ठीक अच्छे एथेरे कौन आसीबो आपनकर रो आउ कलम जिते मर्ज करेंगे मर्ज करिया पर जो सेल आसीबो से सेल रो गोटे एड्रेस और सेल रो रेफरेंस पॉइंट आम पाइबा ओके ग्रुप ऑफ सेल को और कलेक्शन ऑफ सेल को नहीं गोटे वर्कशीट अच्छी ठीक अच्छे एमती केते गुड़ाए वर्कशीट को नहीं बा वर्कशीट को नहीं कि आम वर्क बुक कहते वर्क बुक को ही स्प्रेडशीट और एक्सेल कहा जाए प्रश्न रोचे इंपोर्टेंट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो कलम विड्थ केते ए जो कलम विड्थ ता होची 255 कैरेक्टर मन रखंतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो कलम विड्थ ता होची केते 255 कैरेक्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो जूम परसेंटेज मैक्सिमम 400% पर्यंत ही आमे जूम करी परिबा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एथिरे जहां भी आमे फंक्शन और फार्मूला यूज करबा एहा पूर्वरु आमे इक्वल साइन को यूज करी परिबा इक्वल साइन को यूज करी फार्मूला यूज करा जाय परिबा ओके एडिशन करिया पई एथरे ऑटो सम बॉटम रहिछि जहां होम टैब रे ही अवेलेबल एंड कोनोसी रो एंड इंसर्ट को मध्य आमे कोनोसी रो एंड कॉलम को इंसर्ट करि परबा दैट इज आल्सो होम टैब रे अवेलेबल रहिछि वर्ड आर्ट रो काम कोन वर्ड आर्ट रो काम होछि कोनोसी नॉर्मल टेक्स्ट को सेटी स्टाइलिश करियो माने डेकोरेटिव टेक्स्ट रे कन्वर्ट करिवो सेटा होछि आपनकर वर्ड आर्ट एंड पेस्ट स्पेशल रे कोन हे परबो पेस्ट स्पेशल रे फॉर्मेट एंड वैल्यू को ही आपन गोटे स्पेशल पेस्ट करी परिवे ठीक अच्छे गोटे स्कूल रो डाटा रही किसी वैल्यू रही फॉर्मेट रही आपड़ चाहूँ ओनली फॉर्मेट माने पेस्ट स्पेशल को जबार अच्छे कंट्रोल भी सब गुड़ाक पेस्ट हम जहाँ भी आप कॉपी करछन किंतु पेस्ट स्पेशल हो गले आपड़े वैल्यू को ना फॉर्मेट को ना टेक्स्ट को ना टेबल को कौन से चाहते सेटा पेस्ट स्पेशल करें नेक्स्ट आम डिस्कशन करवा पावर पॉइंट हूँ गोटे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपड़ कौन भी प्रेजेंटेशन को यूज करने और शो करने चाहते प्रेजेंटेशन को आप पावर पॉइंट ही प्रिपेयर करें ठीक अच्छे ए स्लाइड रही पावर पॉइंट कौन रही स्लाइड स्लाइड शो करेंगे दैट इज एफ फाइव फंक्शन फाइव जमी एफ सेवेन थी स्पेलिंग चेक एफ फाइव टा हूँ स्लाइड को शो करेब प्रश्न आसू स्लाइड ओपेन करने के सर्टकट की यूज करना कंट्रोल सहित एम जिते प्रेस करवा देन गोटे न्यू स्लाइड ओपेन हम कंट्रोल एन न्यू फाइल कंट्रोल एम न्यू स्लाइड एम मन रखु एन हम ना न्यू स्लाइड कंट्रोल एम नेक्स्ट न्यू फोल्डर कंट्रोल शिफ्ट एन हूँ न्यू फोल्डर ओपन हम न्यू स्लाइड न्यू फाइल न्यू फोल्डर कंट्रोल एम कंट्रोल एन कंट्रोल शिफ्ट एन मन रखा ओके एंड एनिमेशन आम कौन दे पार पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट दे पार ऑब्जेक्ट कौन हो पार कौन से टेक्स्ट हो पार और शेप हो पार ओके किंतु ट्रांजिशन गोटे स्लाइड रे दे पार ओके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ट्रांजिशन स्लाइड रे दिया जिवो एंड से स्लाइड भितर जदि कोनो से ऑब्जेक्ट टेक्स्ट और शेप अछि दैट इज एथरे हम एनिमेशन दे परबा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रे थिबा स्लाइड रो मैक्सिमम जूम परसेंट होची 400% या थरो हम अधिक करि परबा नाही बुझिया लागि नै पॉइंट गुडा को सब बुझि पाउछन कि नै मन रखंतु नेक्स्ट पावर पॉइंट व्यू कोन कोन पावर पॉइंट व्यू होची नॉर्मल व्यू स्लाइड शटर व्यू आउट होची स्लाइड शो व्यू स्लाइड शटर व्यू रे आपण स्लाइड को थंबनेल आकार रे देखि परिवे प्रश्न आसीबो आपण को व्यू रे थंबनेल आकार रे देखि परिवे स्लाइड को दैट इज स्लाइड शटर व्यू रे एंड से थंबनेल आकार रे देखिया परबा से स्लाइड को आपण अरेंज मध्य करि परिवे को व्यू रे आपण स्लाइड को अरेंज करि परिवे दैट इज स्लाइड शटर व्यू रे ही स्लाइड को अरेंज करि परिवे पावर पॉइंट व्यू कोन कोन रहिछि नॉर्मल व्यू स्लाइड शटर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू नेक्स्ट मास्टर व्यू देखो स्लाइड व्यू हैंडआउट व्यू नोट्स व्यू हूँ आपर मास्टर व्यू इट मीन्स आपड़ व्यू को जीपे गोटे स्लाइड मास्टर को ओपन करेंगे स्लाइड मास्टर को ओपन करापे आपसार जो स्लाइड टी प्रिपेयर करेंगे सहीटा आपर स्लाइड आसीज इनसर्ट स्लाइड तो गोटे टेम्पलेट फाइल को आप
व्यू मास्टर स्लाइड को जाई मध्य ओपन करि परिबे। क्लियर बुझियला? नेक्स्ट डाटाबेस विषय रे डिस्कशन करिबा। मते कोहंतु तो डाटाबेस कोन? डाटाबेस कोन कोहंतु मते देखिबा। डाटाबेस काहा को कहा जाय? कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर डाटा, अनप्रोसेस्ड आइटम डाटा, प्रोसेस्ड होबा परे इनफॉरमेशन। डाटाबेस को कोन कोन क्वेश्चंस रहउछि देखंतु। डाटा होची रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक अच्छे सेटा डाटा कहा जाइबो। ऑर्गेनाइज्ड रहइबो, कलेक्शन ऑफ डाटा रो ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस को कहा जाए डाटाबेस। एही डाटाबेस आपण कोथे क्रिएट करि परिबे ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे क्रिएट करि परिबे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस गोटे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रो पैकेज, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कौन कहा जाए? RDBMS कहा जाए। एथिरे डाटा को स्टोर करिया पई टेबल को यूज करती। एही टेबल को कौन कहा जाए? रिलेशन कहा जाए। एही टेबल को कौन कहा जाए? रिलेशन कहा जाए। एथिरे रो आउ कॉलम रहिची गोटे टेबल रहियो माने कोन रो आउ कॉलम रहिं तो गोटे टेबल फॉर्मेशन हबो। ट्यूपल का कहा जाए? एट्रिब्यूट का कहा जाए। क्वेश्चंस रहउछ रो को ट्यूपल कहा जइबो, कॉलम को एट्रिब्यूट कहा जइबो। टेबल रे डाटा स्टोर हबो मींस एथिरे रो आउ कॉलम रहइबो, ट्यूपल आउ एट्रिब्यूट। यार यूनिट होची फील्ड, जेंती माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो यूनिट कोन थिला? सेल। यार यूनिट होची फील्ड, रो आउ कॉलम रे जो गोटे सेल फॉर्मेशन हबो सेटा फील्ड कहा जाए। मन रखिबा किसी फील्ड को नहीं किसी रेकर्ड, किसी रेकर्ड को नहीं किसी फाइल, एंड ये फाइल को गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे रे आम जिते कौन करती काम करती सेटा डाटाबेस। ओके फील्ड रेकर्ड फाइल डाटाबेस सिक्वेन्स टी मन रखु। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विषय में बुझीगला। आपन को जदि किसी भी डाउट रोज पुणी थे टी भिडा पछक ने आराम से देखिए नोट करेंगे मन रखिए देखिए आप आराम से प्रत्येक पॉइंट को बुझीपारे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट्रे किसी एब्रिविएशन विषय में चलत बुझा। CPU रो फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU रो फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, BIOS बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, IT होची इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT इटा आपनकर प्योर एसला आई थिंक इनफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, SMS रो फुल फॉर्म होची शॉर्ट मैसेज सीट, CSS कैस्केडिंग स्टाइल सर्विस वेबसाइट मेकिंग रे CSS को व्यवहार करा जाए, CD होची कंपैक्ट डिस्क, DVD होची डिजिटल वीडियो और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, GUI होची ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, FTP होची फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? नेक्स्ट बग कौन डिबग कौन बुझंतु। किछि भी आपण काम करबा समय रे कोनोसी फाइल और नेटवर्क रे जदि एरर पाइले तो सेटा को काजु बग। एरर होची बग, एरर को रिजॉल्व करबा माने फिक्स करबा को डिबग कहा जाए। क्लियर? भूलटा को बग कहा जिवो, भूलटा ठीक हो गला सेटा डिबग कहा जिवो। ओके तो पूरा आज ही क्लास रे आपन कंप्लीट कंप्यूटर रिविजन हो जाए। ओके कंप्लीट कंप्यूटर को आम रिविजन कर बारंबार पढ़ंतु मन रखंतु मु जहा जहा कहूँ आपन जदि इतिको पॉइंट को जन को एलाब्रेट करिवार आपन भितर से एबिलिटी आसीगला जानतु आपन कंप्यूटर रे 100% क्वेश्चंस करिपरिबे। यहाँ पर आम MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा। आपण निजे ट्राए करूँ MCQ क्वेश्चंस निजे ओन नोट गोटे लिखंतु आपण जहाँ जहाँ बुझुं लिखंतु निजर नोटा बहुत इम्पोर्टाट। ठीक अच्छे ओके देन नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि इम्पोर्टाट क्वेश्चंस आम प्रैक्टिस करिबा। एंड हाँ मॉक टेस्ट विषय में कहे मॉक टेस्ट 7 पर्यंत प्रैक्टिस करिसें मॉक टेस्ट 8 को मध्य खूब शीघ्र आम डिस्कशन करिबा। ओके जदि आपन को क्लास टी भल लागुछि आपण शेयर करिपारिबे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास।